कितने उम्र में स्टार्ट किया था आपने? मैंने मैं जब 11वीं थी मतलब आई थिंक 17-18 की उम्र 17-18 उम्र से अपने स्टार्ट किया था, 7-8 साल हो चुके इसमें। yes. इनसे पूछेंगे क्योंकि इन्होंने जो है पीएचडी कर लिए है भैंस के ऊपर, पूरा का पूरा जानकारी है इनको, चाहे डिजीज हो चाहे कैसे ग्रो करना है उनको, सब कुछ इनको आता है। वो गैस हम घर में कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? यस, कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वाह, यानी कि पूरा इकोसिस्टम देखिए, आपको ना कहीं पे गैस खरीदने की जरूरत है ना कहीं बिजली खरीदने की जरूरत है। अगर घर पर कुछ भैंसे हैं, कुछ डेयरी थोड़ी फार चल गई तो उसमें भी 90% काम काज महिलाओं को करना पड़ता। 400 × 60 24,000 डेली का हो जाता है बराबर। क्या आपने डबल फ्लोर का डेयरी फार्म देखा है और उसी डेयरी फार्म से बिजली बनती है? अब डेयरी फार्म से बिजली कैसे बनती है? तो जी हाँ, बनती है। मेरे पीछे यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये श्रद्धा फार्म है और यहाँ पे 80 भैंस हैं। हम हमेशा जो है डेयरी फार्म से दूध के बात करते हैं, लेकिन दूध के अलावा यहाँ पे जो भैंसों का वेस्ट निकलता है उससे फर्टिलाइजर हो या बिजली हो या बहुत सारी और भी चीज़ें हम आपको डिटेल में यहाँ पे दिखाने वाले हैं। बहुत ही कमाल का फार्म है दोस्तों। मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि हमारे देश में फार्मिंग का बैकबोन जो है वो महिलाओं को कहा जाता है। तो ऐसे ही एक यहाँ पे यंग लड़की है, एक बिजनेसमैन वूमन है जिनसे हम बात करने वाले हैं, जो ये पूरा फार्म खड़ा किया है। बहुत ही कमाल की स्टोरी भी है और बहुत ही कमाल का एक बिजनेस एंगल है जो डेयरी फार्म में दिया गया है। तो दोस्तों तुरंत अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं यहाँ पे व्यतीत करेंगे तो चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। श्रद्धा जी नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि आपने एक लड़की होते हुए, एक वुमन होते हुए इतना सारा बड़ा एम्पायर यहाँ पे खड़ा किया है, बधाई हो आपको। तो आपके बारे में पहले परिचय दे दीजिए जो वीडियो देख रहे सबको। नमस्कार, मैं श्रद्धा धवन, मैं अहमदनगर जिले में एक छोटा सा गाँव है निघोस, वहाँ रहने वाली हूँ। और हमारी आज तक मतलब हमने भी शुरू किया था एक पेड़ के नीचे से डेयरी फार्मिंग, आज वही काफी बड़ा हो चुका है। आपकी उम्र क्या है लगभग? मेरी अभी 24 इयर्स है। यार दोस्तों 24 उम्र है, डेयरी फार्मिंग आज मैं रन करती हूँ। बढ़िया है। 24 साल की उम्र में क्या आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा फार्म रन करना, 80 भैंस को, मुर्रा भैंस को मैनेज करना और ये बहुत सारी चीजें, वीडियो में आगे चलती रही, वीडियो को छोड़िएगा मत। तो फर्स्ट थिंग मेरा सवाल यही था कि जब मैं आया था कि मैंने बहुत सारे डेयरी फार्म देखे हैं हम लोग, एक तो बहुत हाईटेक होते हैं जो कि करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है। yes. और एक तो बहुत लो होते हैं जैसे हम छप्पर उसे बोलते हैं, वैसे बेसिक होते हैं। yes, लेकिन आपने कुछ बीच का रास्ता ढूंढ निकाला है जहाँ पे फायदा भी हो रहा है और वो वायबल भी है और उसमें इनकम मुझे आउटपुट भी दिख रहा है यहाँ पे। तो आपने ये डबल फ्लोर का जो फार्म है इसके बारे में क्यों सोचा? इसमें एक एंगल था मतलब अंदर दिखा सकते हैं आप। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ 40 की कैपेसिटी है, मतलब एक व्यू था कि देखिए जब हम समर में क्या करते हैं, हमारा अगर पतरे का या फिर मेटल का अगर रूफ हो right. तो हम जो घर के बाहर वो जो पेड़ होता है उसके नीचे बैठते हैं बिकॉज right. हम वो घर में जो गर्मी है वो सहन नहीं कर पाते right. तो जानवरों की भी कुछ वैसा ही है hmm. उन्हें उस कॉम्पैक्ट शेड में रहने की आदत नहीं है और वो एनवायरमेंट उनके लिए अच्छा भी नहीं उतना, तो वो एक व्यू था इस लैब में भैंसों को जो पूरा एनवायरमेंट है वो अनुकूल एनवायरमेंट उनको, यानी कि ठंड में ज्यादा ठंड लगेगी तो बाहर प्रॉब्लम आएगा तो अंदर हल्की सी जो है गर्मी रहती है। और हमने आज सुबह मतलब किया है, फील किया है कि कहा बाहर ठंडी थी तो जब हम अंदर आए स्लैब का ये फायदा होता है और जब गर्मी में वो भी ठंडा रहता है, वो भी एक एडिशनल फायदा है। और मेन चीज ये है कि बहुत लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा खर्चा किया है, बहुत ज्यादा खर्चा किया होगा तो वैसा नहीं है, हमारा खर्चा बचा है बिकॉज हमने डबल स्टोरी किया है। तो यहाँ पे नीचे वाले फ्लोर में कितनी भैंस है टोटल? 40 भैंस है नीचे, 40 है ऊपर, 40 यानी कि 80 भैंस का पूरी कैपेसिटी है ये। यस। तो यहाँ पे नीचे का फ्लोर ऊपर का फ्लोर टोटल इन्वेस्टमेंट शेड के लिए कितना लगा होगा अगर स्टेप बाय स्टेप आपने किया हो तो? हाँ, अराउंड हमें 35 लाख लगा था 80 भैंसों के लिए, 80 भैंस के लिए। आज थोड़ा फार फ्लक्चुएट होगा नहीं हाँ। तो वही रेट हमें लगेगा। ये कितने साल पहले बनाया आपने? ये हमने
चार पांच या छह साल हुए होंगे, मतलब 2017 के आसपास, 18 के आसपास, 16-17 में समथिंग उस टाइम हमने बनाया था। लेकिन जो खर्चा हम कहेंगे वो हमारा स्लैब का कंसेप्ट तो पहला ही था, हमें स्लैब का ही बनाना था, लेकिन हमारा जो फाउंडेशन का वो जो लगता है वो हमारा ऊपर किया, इसलिए वो भी बचा जाना। मतलब यहाँ पे स्लैब का किया है, बगल में और स्लैब करते तो खर्चा था, इसलिए आपने डबल फ्लोर, डबल फ्लोर भी किया, और ऊपर जाने के लिए भी ऐसे गाड़ी की तरह स्लोप बनाया। यस, वो रैंप बनाया वहाँ, तो रैंप से इस ये भैंसे ऊपर आराम से चली जाती है, आराम से चली जाती है। कभी ऐसा लगा कि प्रॉब्लम है या फिर एक जो भैंसे वो बचपन से मिट्टी पर रही है तो हम इतनी जल्दी उसे इस एनवायरनमेंट में नहीं लाते, पहले बाहर आदत डालते हैं। यस, बाहर आदत डालते हैं या फिर मैट डालते हैं, मैट वो रैंप पर डालते हैं, वहां से भैंसे चली जाती है, फिर उसके नीचे जरूरत हो तो मैट का यूज करते थे। मतलब स्लैब का एक फायदा यह है कि आपका कहना है कि गर्मी में अंदर ठंडा रहेगा, ठंडी में अंदर गर्म रहेगा, उनको एक अनुकूल वातावरण रहेगा, इससे दूध अच्छा हमेशा एक बराबर रहेगा, दूध में कभी उछाल नहीं मारेगा, कभी डाउन नहीं होगा, एक लेवल में रहेगा, थोड़ा फार फ्लक्चुएशन हो सकता है, ज्यादा नहीं, लेकिन हम जब नॉर्मल या फिर खुले में करते हैं, मतलब खुले में अगर भैंसों को बांधते हैं या फिर ऐसा फार्म है जहाँ वो पूरा ही ओपन है तो उस टाइम हो सकता है, मतलब होता है, मैंने ऑब्जर्व किया है 10 लीटर की भैंसे 4 लीटर पर भी आई थी। अच्छा, ऐसे डायरेक्ट आधे में ज्यादा कम हो जाता है। यस, इतना ज्यादा कम होता है तो इसमें ये दिक्कत नहीं आती, इतनी ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे पानी पीने का बीच में सिस्टम है। यस, पानी पीने का बीच में सिस्टम है, 24 आवर्स हम उनके लिए पानी। अच्छा, इधर आइए, मतलब यहाँ से पानी अंदर वो फ्लो होता रहता है बराबर। यस yes. और पीछे जो है आगे फेस टू फेस आगे उधर भी सेम है। सेम है, सेम है। और इधर सेम है। yes, बराबर। और यहाँ पे साफ सुथरा करने के लिए भी इजी जाता है। yes, अच्छे से साफ सुथरा होता है बिकॉज इसके जो स्ट्रक्चर है वो ही ऐसा बनाया था, क्योंकि ये मेरा पहला फार्म नहीं था। right. मेरे पेड़ के नीचे से टेल टू टेल फार्म, फिर एक पत्रे का मेटल। कितने उम्र में स्टार्ट किया था आपने? मैं जब 11वीं थी, मतलब आई थिंक 17-18 की उम्र, 17-18 उम्र से अपने स्टार्ट किया था, 7-8 साल हो चुके इसमें। यस, मतलब मैं जब 11वीं में थी तभी मैंने, मतलब मुझे सब काम आते थे, तभी एक पापा का व्यू मुझे आने लगा था, बिकॉज वो भैंसों की तभी से ट्रेडिंग करते थे, तो उनके साथ रह के उनसे बहुत सारी अच्छा चीजें आपने सीखी है उनसे। ये बहुत ही बढ़िया है, पुराना जो पुश्तैनी अनुभव एक्सपीरियंस रहता है वो आपके अंदर आ गया और आपने अडॉप्ट करके उसको कुछ अच्छा काम किया, ये बहुत ही फायदेमंद है। तो मुझे ये बताइए कि हमने यहाँ पे 40 वहाँ पे 40, ये बाहर आती है कि अंदर ही हमेशा रहती है? नहीं, ये अंदर रहेगी, ये चेंज होती रहेगी, बिकॉज अभी भी मेरे पापा ट्रेडिंग करते ही, मतलब उनका जो मेन बेस है वो ट्रेडिंग का है। जब मैं, मेरा भाई, हम इसमें आए तभी हमने डेयरी फार्मिंग शुरू किया, बिकॉज वो उनके लिए वो इतना वायबल नहीं था कि हम भैंसों से दूध निकाले फिर डेयरी पर दे। ठीक है, हम छोटे थे लेकिन हमें भी मतलब उसमें इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट आने लगा धीरे धीरे। हाँ। तो फुल टाइम या फिर कॉलेज करके, स्कूल करके, वो सब हम टाइम टू टाइम मैनेज किया। yes. दोस्तों, हम इसमें दूध कितना निकलते है उसके ऊपर भी आने वाले हैं, डेली का इसमें इनकम कितना होता है, मंथली कितना होता है, अगर आप दो भैंस से स्टार्ट करेंगे उसका भी हिसाब हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि इन्होंने जो है PhD कर ली है भैंस के ऊपर, पूरा का पूरा जानकारी है इनको, चाहे डिजीज हो, चाहे कैसे ग्रो करना है उनको, सब कुछ इनको आता है। तो अब इस यहाँ बताइए, आपने बाहर की तरफ इधर ये सेक्शन क्या बनाया, इधर और इधर? ये हमारा रिसर्च ओरिएंटेड रहता है, मतलब यहाँ पे रिसर्च भी आप करते हैं? यस, मतलब रिसर्च ऐसा कि आप वर्मी कंपोस्ट बनाना या फिर कोई डंग है, नॉर्मल जो एनवायरनमेंट है उसमें वो कितने दिनों में मतलब वेस्ट बन जाता है, डिकम्पोज होता है, जो ये गोबर निकल रहा है उसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं वहां पे रख के? यस, ये अभी नॉर्मल जो टेम्परेचर है अभी ठंडी है तो बैक्टीरिया इतने ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है, हम नॉर्मल टेम्परेचर पर देखेंगे ये कितने दिनों, मतलब जो गोबर निकल रहा है उसके ऊपर रिसर्च करके उसका आपको फर्टिलाइजर बनाना है, तो रिसर्च चल रहा है? यस, वो तो हम बनाते हैं लेकिन उससे आउटपुट हमें कितना निकल रहा है यो एग्जैक्ट पता होना चाहिए। यस, मतलब एक गोबर की भी ऐसे स्टेज है वो डिकम्पोज होके और भी डिकम्पोज, मतलब हम कहते हैं
खाद की मिट्टी हो गई, हाँ। तो उसमें हमें क्या आउटपुट निकलेगा, वो कम होगा उसका वजन या फिर उतना ही रहेगा? हाँ, मतलब एक किलो गोबर हो तो उसमें कितने दिन बाद पूरा हमारा खाद, यस, जैविक खाद बन रहा है और वो कब बेच सकते हैं, पूरा हिसाब लगा रहे हैं। हाँ, वो भी और उससे मतलब एक भैंस हमें कितना गोबर देती है, राइट, वो सब हम सब कैलकुलेशन जरूर चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन ही बिजनेस है। कैलकुलेशन नहीं होगा तो बिजनेस कहाँ से हो पाएगा? कि एक भैंस कितना लीटर दूध देती है वो हमें पता होना चाहिए। तो वो यहाँ ऐसा मुझे लगता ही नहीं कि इसके ऊपर सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर सीधा ऊपर है वो। हाँ, नहीं वो लगता नहीं है लेकिन है। आपने टेक्निक से बनाया क्योंकि नीचे वाला थोड़ा डेप्थ में रखा है और ऊपर वाला ऊपर रखा है। नीचे का डेप्थ में इसलिए रखा है क्योंकि हम उस पर रैंप बराबर रह जाए। चौड़ाई कितनी है फार्म के अंदर से? अराउंड 38 फीट। और लंबाई कितनी है? लंबाई है 85 to 90 feet तक है, उसमें 40 नीचे 40 ऊपर बैठ जाती है। यस यस यस, ओके, ये सही है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट फार्म एंड है यहाँ पे, इस साइड में ना? यस, इस साइड में एंड है। तो आप, मैंने देखा कि अभी ड्रोन शॉट हमने सुबह लिए, तो ड्रोन में मैंने देखा कि ऊपर भी कुछ बलून है, ये नीचे भी है। yes. तो जो हमने इंट्रो में कहा दोस्तों कि बिजली, यानी कि बिजली के पहले कुछ गैस बनता है यहाँ पे, तो वो बताइए कि यहाँ पे, यहाँ पीछे पे क्या प्रोसेस होता है और आगे कैसे बनता है? गोठे, मतलब इस तबेले समय जो भी वेस्ट निकलता है, राइट, उसका यूज करते हैं हम। मतलब जो कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब जिसमें ज्यादा गोबर या फिर ज्यादा यूरिन होता है, ये सब इस टैंक में आएगा, राइट। यहाँ थोड़ा सा मिक्स होता है, इसकी स्लरी बनाई जाती है, और एक्स्ट्रा का जो गोबर लगता है वो ऊपर से डाल दिया जाता है, ऊपर से डालते हैं, फिर अच्छे से स्लरी बनाई तो पहले तो इस टैंक में आएगा। मड़पम्प से उठा के इसमें आता है? यस, मड़पम्प से आएगा। तो यहाँ 30-30 हजार लीटर के दो डाइजेस्टर है। ये डाइजेस्टर है और ऊपर जो आपने देखा वो बलून था, वो गैस स्टोरेज के लिए था। ये दो डाइजेस्टर के लिए नोजल्स दिए है, बीच में नोजल्स है। उस जो वो जो बायोगैस निकलता है उसका थोड़ा सा मॉइस्चर कम किया जाता है, अच्छा, फिर वो ऊपर जो आपने बलून देखा उसमें वो बायोगैस स्टोर किया जाता है। इसमें ये डाइजेस्टर से बायोगैस बनता है, ऊपर जाके स्टोर होता है, ऊपर जाके स्टोर होगा। फिर जैसे जैसे हम आगे से स्लरी डालेंगे और जो डाइजेस्ट हुई होगी जो स्लरी है वो उस टैंक में आएगी, एंड वाले टैंक में आ जाती है। उस टैंक में आएगी, वहां फिर हम नीचे एक मड पंप है, वहां से फिर उस स्लरी का एरेशन करेंगे, फिर उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो गया तो फिर बाद में हम जो ये स्लरी भी किसानों को आप बेचते हैं? यस, ये स्लरी भी बेचते हैं, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती जो आज प्रोम बनाते हैं, तो प्रोम के लिए भी हमारी ये स्लरी और हम जो खाद बनाते हैं डंग पाउडर वो भी जाती है। मतलब जो चीजें इस्तेमाल में ले रहे, जितना हो सके कि इस्तेमाल में, मतलब सिर्फ इस्तेमाल में नहीं, उससे हमें कुछ इनकम भी हो। इनकम इम्पोर्टेंट है, अगर पैसा मिला तो ही सस्टेन कर सकता है किसान हो या कोई भी बिजनेस हो। और जो हम सोचते भी नहीं या फिर उसका कभी विचार भी नहीं किया जाता कि वो जो मिथेन ग्लोबल टेम्परेचर में बहुत बड़ा हाथ है उसका, मिथेन का, वो भी हम अगर जलाने लगे या फिर उसका यूज करने लगे तो नॉर्मल, इतना ज्यादा भी नहीं लेकिन हम थोड़ा फार कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो तो बात है। ठीक है, कंट्रीब्यूट भी कर लिया लेकिन उसका भी फायदा हमें है, हमारी बिजली का जो खर्चा है वो भी बचता है। मतलब इससे आपका गैस ऊपर जाता है और उससे हमने रखा है बायो जनरेटर रखा है, उससे उस गैस का इस्तेमाल करके बिजली बनती है। कन्वर्जन बिजली में होगा, फिर वो बिजली हम जो चाप कटर है या फिर बोरवेल के, मतलब आपके फार्म पे जितना इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे इस्तेमाल होती है, यस, वहाँ पे वो बायोगैस से वो बायो इंजन है, वो स्टार्ट होके वहाँ से लाइट का सप्लाई होता है, बिजली का। और वो जो बायो जनरेटर है वो 100% बायोगैस पर चलता है, मतलब ऐसा भी पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं, कौन से भी फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब जो अब हम CNG हमारी कार देखे तो उसके लिए भी स्टार्ट होने के लिए फ्यूल लगेगा, पेट्रोल लगेगा, तो ये बायो जनरेटर 100% उस बायोगैस पे ही स्टार्ट होगा, एक्स्ट्रा का फ्यूल वगैरह उसकी कुछ जरूरत नहीं पड़ती। ये मुझे बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा लगा। मैंने ये देखा था MP में पटलावदा ने, उनको हमने नाम दिया था गैसमैन, मैंने पहली बार वहाँ पे देखा था। okay. वो ना अल्टो गाड़ी चलाते थे, टू व्हीलर चलाते थे, ट्रैक्टर भी उन्होंने किया था CNG के ऊपर। हाँ, उसके लिए हमें इस गैस का फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, उन्होंने वैसे किया, मतलब ये गैस निकाला उसका CNG में कन्वर्ट किया, वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था। वैसे ही कुछ यहाँ पे मुझे
बहुत ही अच्छा सेटअप। तो इसमें कितना खर्चा आया आपका ये बिजली बनाने का सेटअप में? हमें 14 लाख का खर्चा आया था इस बायोगैस। 14 लाख का पूरा खर्चा आया इसमें। ये 1 टन का प्रोजेक्ट है, 1 टन के लिए हमें उतना खर्चा आएगा। कितनी भैंस लगती है इसमें? अराउंड 40 भैंस लगेगी। तो दोस्तों 40 भैंस लगती है ये बिजली बनाने के पूरा गैस बनाने का सिस्टम, और वो गैस हम घर में कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम। वाह, यानी कि पूरा इकोसिस्टम देखिए, आपको ना कहीं पे गैस खरीदने की जरूरत है, ना कहीं बिजली खरीदने की जरूरत है, कोई दिक्कत ही नहीं। सारा का सारा सिस्टम आप पूरे एक फार्म से बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करते रहिएगा, आपको बहुत ही और जानकारी आगे मिलती रहेगी। अच्छा हम बताइए, 40-80 भैंस है यहाँ पे, तो रेगुलर हम 80 भैंस का रख रखाव उनको कैसा क्या क्या ध्यान देते हैं डेली का? अगर मतलब हमारा नंबर बहुत फ्लक्चुएट रहता है, मतलब कभी 60 रहती है, कभी 75 होगी, कभी 670 होगी, या कभी कभी 85 भी हो जाती है। मतलब बेचते रहते हैं, आते रहते हैं। यस, ट्रेडिंग तो शुरू है, पापा का मेन बिजनेस ही वही है। हाँ। वो प्रेफरेंस देते हैं कि दूध की भैंसे कैसे लाए, बिकॉज हमारे ऊपर प्रेशर ना आए। दूध कम है। यस, दूध कम है। तो कंटिन्यूटी हमारे फार्म पर रहती है। जब 80 भैंसे होगी तो अराउंड हमारा 450 तक दूध जाता है। 450 लीटर दूध, 450 या फिर सुबह शाम मिला के, सुबह शाम मिला के उतना दूध जाएगा। अराउंड हमें 6 लाख से 8 लाख से तक उनका उसका रेवेन्यू मंथली का होता है। मान लीजिए 400 लीटर रोज का अगर पकड़ ले, तो अभी आपका क्या फैट लगता है और उसका दूध का भाव 1 लीटर का क्या है मार्केट? अराउंड हमें 60-65 रुपीज तक रेट मिलता है। 60 रुपए अगर पकड़ ले हम, तो 400 लीटर आपका दूध है यहाँ पे, तो 400 × 60 24,000 डेली का हो जाता है। बराबर। तो मुझे बताइए कि डेली इनको क्या खाने को आप देते हैं? आपके खेत में आता है या खरीद के आता है? नहीं, हमें हमारा सब, हम चारा जो भी है सब खरीदते हैं। जो हरा चारा या सूखा चारा है वो हम बाहर से खरीद के लाते हैं। और जो जो फीड है उसमें हम जो मक्का है वो बाहर से खरीदते हैं, लेकिन उसका फीड घर पर बनाते हैं, उसमें मशीनरी वगैरह है। और बाकी जो सरकी, तो कैसे कैलकुलेशन लग पाता है? क्योंकि मैंने सोचा, मैंने बहुत जगह सुना है कि अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हो तो आपके घर घर में हरा चारा चाहिए, चाहे वो दशरथ घास हो, मेथी हो, नेपियर हो, या आपका जो भी हो, तो आप कैसे सस्टेन कर पाती है पूरा खरीद के चारा? क्योंकि 24,000 डेली का आ रहा है, तो 24,000 खर्चा नहीं होना चाहिए, बचना चाहिए। तो उसमें मेरा व्यू ये है कि अगर मुझे मेरे खेत में चारा उगाने के लिए अगर 2 रुपीज पर केजी का खर्चा आता हो, और मैं मुझे बाहर से 2.25 रुपीज लगता है, तो मैं प्रेफरेंस दूंगी बाहर से खरीदने के लिए। उतना झंझट करने का मतलब नहीं है, 50 पैसे के लिए। और उसमें हम हमारे जो हमने जो वर्क किया था वो भी काउंट नहीं करते, इसलिए हमारा थोड़ा कम हो जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन सब अगर जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें उतना ही पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, जो फार्मर्स है उनको गोबर देना अगर नीड हो तो, या फिर कभी कभी दूध भी होता है। मतलब आपके फिक्स फार्मर आसपास है जिनसे आप ये खरीदते हैं? भी है, और यहाँ पे यह हरा चारा आता रहता है। यस, वो हरा चारा भी आता रहता है। उसमें हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं मक्के को। उसके बाद जो हमें जवार आता है उसके लिए सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। मतलब मक्का है, जवार है, सूखा भूसा भी रखा है उस साइड में, भूसा भी, वो भी 1 साल के लिए हम भर के बैकअप करके रखते हैं। मुर्गास वगैरह इस्तेमाल करते हैं? यस, मुर्गास भी, साइलेज भी हम खरीद के लाते हैं, घर पर ही बनाते हैं। जब हमें ज्यादा चारा अवेलेबल होगा कम पैसों में, हम उस टाइम वो भर के रखते हैं। जब हरा चारा की थोड़ी प्रॉब्लम है तो उस टाइम डालेंगे, जरूरत पड़ी। तो मतलब आपका तो इतना अनुभव है कि दूध बढ़ने के लिए और दूध अच्छा निकलने के लिए, एक भैंस अभी कितना दूध निकलता है मुर्रा से ये? और मुर्रा ही आपने क्यों पाली है? मुर्रा तो सबसे ज्यादा सबने मुझे लगता है प्रेफरेंस देना चाहिए। अच्छा, दूध देने वाली ब्रीड है? दूध देने वाली जब हम पकड़े तो जाफराबादी हो तो उससे भी ज्यादा दूध देगी, लेकिन फैट थोड़ा सा कम लगता है। अच्छा। हमें फैट भी चाहिए, दूध भी चाहिए, इसलिए मुर्रा उस हिसाब से बेस्ट। एक भैंस कितना लीटर दूध देती है अभी? हमारा हमें तो 10-12 लीटर की ठीक है, लेकिन 14 लीटर से 15-16 लीटर की भी भैंसे हैं हमारे पास, सुबह शाम मिला के। सुबह शाम मिला के मतलब आपकी 10-12 लीटर एक भैंस दूध देती है। लेकिन अगर हम डेली का 24,000 आ रहा है, महीने का 6-7 लाख रुपए आपका आ रहा है, तो उसमें से कितना हम खर्चा पकड़ सकते हैं? क्योंकि जो नए देख रहे हैं उनको ये क्यूरियोसिटी रहती है कि हमें खर्चा कितना हो रहा है और आ कितना रहा है।
ओके, उसमें से हमें अराउंड 35% 40% हमें प्रॉफिट होगा, बाकी सब 60% खर्चा हो जाएगा। 60 कभी कभी बढ़ भी सकता है। अच्छा, बढ़ भी सकता है थोड़ा, कम ज्यादा थोड़ा 5-10% फ्लक्चुएट रहेगा। यानी कि अगर मान लीजिए 10 लाख अगर किसी कोई 10 लाख एक मोटा मोटा पकड़ ले तो उसमें हम 6 लाख से 6.5 लाख खर्चा 4 लाख रूपए मंथली हमें बच सकता है। लेकिन हर बंदा तो ऐसे नहीं स्टार्ट कर सकता 80-85 से, तो शुरुआत कैसे करनी चाहिए? तो ये जब क्वेश्चन आता है तो मैं मेरी शुरुआत दिखाती हूँ। अभी भी उसके कुछ अवशेष है यहाँ। ये एक पेड़ है, पेड़ के नीचे हम देख सकते हैं ये, मतलब पेड़ के नीचे मैट है या यहाँ पे छोटी सी दावन जिसको हम बोलते हैं। हाँ, ये गवान, ये जो है, ये ईंटों में बांधी जाती थी बहुत पहले। तो इसमें यहाँ से शुरू किया था, पेड़ के नीचे से शुरू किया था, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ तक पहुँचे। मतलब शुरुआत करते समय आपका व्यू ये है कि एक दो बहन से स्टार्ट करें, सीखे, समझे, फिर आगे बढ़े। पहले तो जब कोई नया आता है इसमें तो अराउंड 10 भैंसों का तो एक प्रोजेक्ट लेकर आता है। राइट, 10 भैंसे हम पकड़े तो 10 भैंसों का अराउंड हमें 13-14 लाख रुपए ट्रांसपोर्टेशन वो सब पकड़ के खर्चा आएगा। इतना बड़ा खर्चा है? यस, 10 भैंसों के लिए। फिर जो कंस्ट्रक्शन है उसमें 4-5 लाख रुपए खर्चा आएगा, और बाकी हमें चारा वगैरह वो सब का अरेंजमेंट करना, 20-20 लाख के आसपास चला जाएगा 10 भैंस का। हाँ, तो इनिशियल स्टेज में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके हमें उतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता। अच्छा। एक साल तो हमें वो सब समझ नहीं में आएगा, क्या उनको डिजीज आया है, क्या क्यों बीमार पड़ी है, वो तो सारी दिक्कतें आएंगे। जिसको पता है पहले पेरेंट्स ने किया है वो आ सकता है, लेकिन अपेक्षित ये है कि आप कुछ स्टडी करें, प्रशिक्षण ले, उसके बाद आप। तो क्या आप प्रशिक्षण देती है? यस, प्रशिक्षण में देते हैं। दोस्तों जरूर मैं इनका ईमेल आईडी नंबर डाल देता हूँ, प्रशिक्षण आपको सीखना है तो इनके पास आ सकते हैं। अभी हिंदी में स्टार्ट नहीं किया है नहीं, अभी मराठी में, महाराष्ट्र में, लेकिन जल्दी हिंदी स्टार्ट करने की इनकी कोशिश है, अगर हुआ तो आप आ सकते हैं जरूर। तो हाँ, प्रशिक्षण का ऊपर से आपका कॉन्फ्रेंस हॉल है, राइट है, उसके नीचे बहस है, यानी कि प्रशिक्षण लाइव दिखाते हैं आप पूरा सारा? हाँ, हम दिखाते हैं जब प्रशिक्षणार्थी यहाँ आएंगे। तो अगर ब्रीड पहचाननी हो तो हम वहाँ जाके दिखाएंगे। तो कैसे मुर्रा को कैसे पहचाना जाता है? मुर्रा को जो पहला तो सिंग होगा, गोल वाला, यस, गोल वाला सिंग, और उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है बॉडी का वो देखेंगे। उसके बाद उसका जो कास है, जो कास वो हम देखेंगे, वो अच्छी है क्या, दो थनों में डिस्टेंस सेम है क्या, मतलब ये सारी छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं। मतलब हम सिर्फ वो अच्छी दिख रही है इस या मोटी दिख रही है उसपे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो 80 भैंस को हैंडल करते हैं? 80 भैंसों के लिए हमें 6-7 लोग लगेंगे। 6 लोग तो हमें फार्म में ही लगेंगे, दूध वगैरह सब निकाल। डेली का सुबह दूध का टाइम क्या होता है निकालने का? 3:30, 3:30 बजे दूध मतलब पहले चारा दिया जाता है, अर्ली मॉर्निंग, चार बजे सुबह 4 बजे फिर दूध निकालना शुरू होता है। दूध मैंने देखा कि 6:30 बजे तक ओवर हो गया था, 7:45 बजे आपकी गाड़ी आ गई थी, दूध लेके चली गई थी। पहले तो मैं खुद जाती थी, 4-5 साल मैंने खुद डेयरी पर दूध दिया, फिर बाद में जब ये जो व्हीकल आते हैं वो तो है, बिजनेस एंगल से देखना ही चाहिए। हम खुद कब तक करेंगे, आगे का भी हमें देखना है, हमें ये फर्टिलाइजर बनाना है या गोबर से और चीजें बनानी है, नया इनोवेशन देखना है, R&D करना है, तो उसमें हमें दिमाग चाहिए। लेकिन दूध का मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया था कि दूध का अभी आपने बोला कि 60 रुपए लीटर जाता है, तो वो किस बेस पे जाता है, और अभी दूध में काफी सारी चीजें हो रही है उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत ज्यादा बाय प्रोडक्ट्स के लिए भैंसों का दूध लगता है। अच्छा, जैसे पनीर बन रहा है तो बाकी जो चीजें बनती है वो भैंस की ज्यादा लगता है, क्योंकि भैंस में फैट ज्यादा होता है ना। फैट ज्यादा, आपका क्या फैट निकलता है? अराउंड 70-7.5 7.5 तक आपका फैट निकलता है। तो जनरली जो भैंस का दूध निकलता है 10-12 लीटर, उसका क्या फैट लगना चाहिए तो इतना रेट मिलता है? हमें 70 का, मुझे तो लगता है 70 का फैट होना चाहिए, 7 फैट होना चाहिए। यस, अगर हम 6-8 लीटर की एवरेज भैंस पकड़े हम, मतलब जिसको दूध नहीं है वो भी पकड़े, तो 6-7 या 8 लीटर तक हमारी भैंसे हो तो हमें वो प्रॉफिटेबल रहेगा। 6-0 भी फैट चलेगी, लेकिन कब चलेगी? 6-0 से 7-0 तक में जब हमारा दूध बहुत ज्यादा है तो हमें फैट कम हो तो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या फैट पे क्या रेट है एक जनरली बेसिक? हमें अब 8.5 रुपीस पर फैट मिलता है। तो अच्छा। अगर हमारी 7.0 फैट है 60 रुपए के आसपास, हाँ 60 रुपए हमें
रेट मिलेगा एक लीटर को, ये एक लीटर को, समझ गया, सिंपल कैलकुलेशन है दोस्तों, ये कोई ज्यादा हेडेक नहीं है। अभी एक चीज ये है कि आपने यहाँ पे पूरा गोबर ला के रखा है बराबर, तो जब मैंने सुबह पे आया मुझे ऐसा लगा कि ये वर्मी कंपोस्ट है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट नहीं है ये, नहीं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आप कैसा फर्टिलाइजर बना रही है जो किसानों के हित में है और क्या भाव में बेच रहे तो बताइए। इसमें हम वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं और हमारा दूसरा जो है वो जीवाणु जैविक खाद, उसमें हम क्या करते हैं जो गोबर है उसको डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया की मदद से डिकम्पोज करेंगे। ये प्रोसेस यहाँ पे डिकम्पोज की है? यस, वो डिकम्पोज करेंगे, उसके बाद जो गोबर है वो डिकम्पोज हुआ तो उसको और हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे और वो चाले के मतलब यहाँ पे पहले दो है, पहले ये वाइब्रेटर से जो नीचे गिराते हैं और ये यहाँ पे बन जाता है। ये तो चाय की पत्ती की तरह जैसे वर्मी कंपोस्ट है उसी टाइप से बन रहा है ये, ऐसा ही बनेगा ये। अब ये इसमें हम और बैक्टीरिया की वैल्यू एडिशन करेंगे। अच्छा, जैसे कि पीएसबी केएसबी ऐसे बैक्टीरिया की वैल्यू एडिशन करेंगे। मतलब अगर आप एक फार्मर है, आपने कहा कि मुझे सोयाबीन करना है, तो आपको राइजोबियम और जो बैक्टीरिया उसमें लगेंगे वो हम ऐड करके देंगे। मतलब जैसी मांग होगी उस हिसाब से बना के देंगे। ये खाद बनाते हैं और फार्मर्स को देते हैं, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। आता है मतलब आना ही चाहिए, वो तो है बेसिक नॉर्मल में गोबर में अगर सड़ा के डाल दूं वो चाहिए चाहिए उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब गोबर में और एक बात है, अगर वो सड़ जाए तो वो हमारे खेती के लिए हार्मफुल है, अगर वो डिकम्पोज हो जाए तो वो हमारे खेती के लिए चाहिए, मतलब वो यूजफुल है। तो यहाँ पे आपका ये ब्रांडिंग वगैरह आप पूरा यहाँ से करके पूरा का पूरा एकदम रॉ नेचुरल मैंने देखा हर एक चीज। ये बात आपकी मुझे सही लगी। तो ये कैसा आपका जाता है 50 किलो? ये 40 किलो की बैग है, जीवाणु नाम से आएगी, जीवाणु जैविक खाद। ये हमारा 40 kg का 500 में जाएगा। 40 kg का 500 रुपए में, 500 रुपए में जाएगा। किसान को जाता है कि रिटेलर को? किसान को भी और रिटेलर, रिटेलर को। उसका अगर क्वांटिटी होगा तो अलग रेट में? यस यस, क्वांटिटी होगा तो अलग। यानी कि मतलब डेयरी फार्म कोई भी बंदा कर रहा है तो गोबर का पक्का उसे बनाया तो वो पूरा प्रॉफिट है ये? हाँ, मेरा तो व्यू ये है कि ठीक है आप बेचो नहीं, आपके आप जब खुद के खेती के लिए वो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, तैयार करोगे इस्तेमाल करोगे, आपका जो केमिकल का खर्चा है वो भी बचेगा और आपके जो भी पीक है या फिर जो क्रॉप्स है वो भी अच्छे आएंगे, उनको इनडायरेक्टली वहाँ भी फायदा हो सकता है, वहाँ से भी एडिशनल इनकम हो सकती है और बहुत ज्यादा है तो हम बेच भी सकते हैं। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि आप बोर हो रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग हम बातें कर रहे हैं बहुत सारी चीजें। तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि कुछ फार्मर्स को डेयरी फार्मिंग की टिप्स बताइए कि हाँ ये चीज करना चाहिए तब प्रॉफिट में रहेगा, पैसा तब मिलेगा। ओके, मैं हमेशा ये बताती आई हूँ कि ठीक है हमें डेयरी फार्मिंग करना है या फिर कोई भी व्यवसाय करना है तो पहले तो हमारे पास सब नंबर्स होने चाहिए, सब इधर भी चलते सेकंड फ्लोर देखते हैं। दूसरा, हम करते हैं डेयरी फार्मिंग में आज ऐसी स्थिति है, ठीक है ट्रेडिशनल या ये करना है करो, उसमें कुछ भी कैलकुलेशंस नहीं होता, हिसाब किताब नहीं रखा जाता, ठीक है चला है चलने दो, मतलब कैलकुलेशंस। दूसरा, हमें स्टडी करके अभ्यास से वो फार्म चलाना चाहिए, स्टडी करना है, ये स्टडी करना है। और तीसरी बात, हमें एज अ बिजनेस के एंगल से, ये नहीं कि हम पशुपालन कर रहे हैं तो बस पशुपालन कर नहीं, रहे हमें पशुपालन तो करना ही नहीं है, अलाना है, दूध व्यवसाय करना है। हाँ, दूध का व्यवसाय करना है। अच्छा, ये आपका मेजर पॉइंट था कि एक उद्योजक यानी कि एंटरप्रेन्योर के हिसाब से हमें देख के उसको बिजनेस एंगल से देखना है इस डेयरी फार्मिंग को। तो ये हमारा सेकंड फ्लोर है। यस यस, सेकंड फ्लोर मुझे नीचे वाले से काफी इंटरेस्टिंग लगता है, तो यहाँ पे ये वॉशिंग वगैरह होता रहता है। हाँ, ये इसका भी भैंसों का भी अच्छे से ग्रूमिंग होगा, वॉशिंग होगा, डेली होता है, डेली होता है ये सब फ्लोर भी, यानी कि उनको आप कंफर्टेबल फील करवाते हैं। यस, कंफर्टेबल फील करवाते हैं। अभी इनके जो बॉडी पर हेयर आए हाँ, वो अभी हम निकालेंगे नहीं बिकॉज ठंडी है। अच्छा, ठंडी में हेयर रहेंगे? हाँ, वैसे ही रखेंगे बिकॉज उनका काम ही है प्रोटेक्शन करना ठंडी से और बाकी चीज से। और बहुत ज्यादा जो हमें चुभती है जो ठंडी, एक गुलाबी ठंडी कहते हैं, तो उस ठंडी में हम उनको धोना थोड़ा सा कम करेंगे, कम करेंगे। जब नॉर्मल टेम्परेचर है, कम ठंडी है, उस टाइम तो रोज भैंसों को साफ किया जाएगा, उनको ग्रूमिंग किया जाएगा। मेरा एक मेजर सवाल है, मैंने बहुत सारी दिक्कतें मेरे गांव में भी देखी है कि लोग बोलते हैं कि आप पंजाब हरियाणा से मुर्रा लेके साउथ में आ जाते हैं, चाहे महाराष्ट्र MP कर्नाटक में, तो वो डेड हो जाती है या उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो आपको नहीं दिक्कत आई महाराष्ट्र में? नहीं, मतलब
भैंसे ये तो देशी प्राणी है, इंडियन है, इंडियन है, तो इसको कहीं भी डाले वो सस्टेन करेगा, सिर्फ वो थोड़ा टाइम लेगा, मतलब हम भी हमसे कंपेयर करेंगे, अगर हम बर्फीले जगह पे जाएंगे तो हमें वहाँ सूट होने में या फिर वो एडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये सिर्फ हरियाणा या फिर वहाँ से लाएंगे ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आज अगर मैंने इस भैंस को उस भैंस की जगह बांधा तो भी वो गारंटी नहीं है वो शाम को मुझे दूध देगी, ये भी बात है, ये भी मतलब वो इतना कंफर्टेबल फील करवाना है कि जहाँ पे है जिस लोकेशन में है वहीं रहना चाहिए। लॉस क्या है इस बिजनेस में, सबसे ज्यादा बिगेस्ट लॉस क्या हो सकता है? लॉस तो वे मतलब जो भी मुझे लगता है जो भी लॉस में है जो भी फार्मर्स तो उनके पास कैलकुलेशंस नहीं है, फीड पे बहुत ज्यादा खर्चा होता है, चारे की भी फीड पे कंट्रोल रहना चाहिए, उस पे ध्यान रहना चाहिए, उसके बाद में हम जब फैट मेंटेन नहीं करेंगे भैंसों की तो उसमें भी हमें कम प्रॉफिट रहेगा, मतलब हमें फैट मेंटेन करना है, कैलकुलेशन रखा है, चारा क्या डालना है ये ध्यान देना, तब लॉस नहीं होगा। यस, हमें और इनकी जो ब्रीडिंग है या फिर इन जो क्या बोलते हैं लागवड़ है, मतलब इनको इंसेमिनेशन है वो भी टाइम टू टाइम होना चाहिए, उनका भी कंसेप्शन रेट ज्यादा होना चाहिए, उनने भैंसों को भी उन्हें कंसीव करना चाहिए, तभी आगे जाके वो जल्दी उसकी डिलीवरी होगी। तो इसका डिलीवरी का क्या सिस्टम रहता है, साल में कितने बार रहता है, साइकिल कैसे रहता है? साइकिल अगर ये अभी जनी है खाली हुई है तो उसके 3 महीने बाद उसकी इंसेमिनेट किया जाए, फिर उसके बाद अगर गाभन रहती है तो 7 महीने तक उसका दूध निकाला जाएगा, कुछ वैसे तो अपने आप ही 6 महीने बंद हो जाता है, 7 महीने आए तो बंद हो जाती है, मतलब कम कम बहुत कम करती है, और किसी भैंसों को हो दूध तो हमें 7वें महीने में उसका पूरा दूध बंद करना है, तो उसके बाद फिर 10वें महीने में उसकी डिलीवरी हो जाएगी, फिर बाद में सेम फिर 7-8 महीने तक दूध चालू रहेगा। हाँ, फिर 10 महीने तो गैप कितना रहेगा 12 महीने में दूध का? 10 महीने तो वो दूध देगी, 3 महीने गैप रहेगा, 3 महीने गैप रहेगा। और सब सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी है इस बिजनेस के लिए? सब्सिडी है, लेकिन अगर हम थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करें तो अभी एक है जो ब्रीडिंग पर काम करने के लिए दी जाती है, लेकिन उसके लिए 200 भैंसों का वो प्रोजेक्ट है, हमने हमारे फार्म के लिए आज तक मतलब कोई सब्सिडी ली नहीं, बिकॉज हमने स्टेप बाय स्टेप सब किया है, और जो छोटी छोटी सब्सिडीज है वो इतनी कम है कि उसमें हम कोई काम कहीं नहीं है। कर नहीं पाएंगे, मतलब लाख दो लाख लेके कोई फायदा नहीं है। हाँ, मतलब 60-70 हजार से मिल क्या ही होगा, क्या होगा, शेड भी खड़ा नहीं होगा। आप क्या बताना चाहेंगे कि हमारे देश के महिलाओं को, अगर कोई वीडियो देख रहे हैं या हमारे फार्मर्स को, कि क्या किस तरीके से हमारे भविष्य होना चाहिए महिलाओं को, कि आगे एक कदम हमें उठाना चाहिए महिलाओं को? ओके, अगर कोई मतलब जो लड़कियां हैं महिलाएं हैं इसमें बहुत काम करती है, मैंने देखा है, मतलब इतना ज्यादा काम करती है कि उसको खुद को संवारने के लिए टाइम नहीं मिलता, अगर घर पर कुछ भैंसे है कुछ डेयरी थोड़ी फार चल रही तो उसमें भी 90% काम काज महिलाओं को करना पड़ता है, बैकबोन ही है फार्मिंग और यस, लेकिन वो सिर्फ करती है, बताया गया है ना ये करो किया ये करो, डिसीजन मेकिंग आपका कहना होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में वो खुद से सोचे थोड़ा, यस हाँ हाँ, ये नहीं कि डिपेंडेंसी ना रहे, डिपेंड ना रहे, क्योंकि मैंने ये देखा है कि डिसीजन मेकिंग उनके पास नहीं है, आपने कैसा है कि खुद डिसीजन लिया है कि मुझे यही करना है, ये नहीं सोचा कि कुछ पढ़ाई करके आईटी में जाके सॉफ्टवेयर बनाने, ऐसा कुछ सोचा नहीं, आपने सोचा कि चलो घर का है और दिया हुआ मिला है कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी पिछले पीढ़ी की और उसको आगे लेके आप जा रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी आभार, धन्यवाद। तो दोस्तों आज हमने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से जो है पूरा फार्म मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे बच्चे भी बांधे जाते हैं क्योंकि दूध निकालते टाइम माँ के पास बच्चे साइड में होना जरूरी है, तो ये भी सिस्टम यहाँ पे किया गया, तो हर एक चीज जो है बारीकी से की गई है और हर एक चीज हमने वीडियो में बारीकी से पूछने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है और जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा, और ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, आप भी पीछे मत हटिए कमेंट करने को और शेयर करने को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि पावर है तो पावर है। धन्यवाद।